फर्स्ट ईयर मैथ 9.2 हम कर रहे थे। 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि कॉस दिया हुआ, कॉस के अलावा जो बाकी वैल्यू है, कॉस इसका मतलब क्या होता है, सीकेंट, फिर साइन, कोसीकेंट, टेन, कॉट, मतलब सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक हमारे पास ये कॉस थीटा 9/41 गिवन है, इससे बाकी पांच वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कुल छह ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन होते हैं जिनमें से एक गिवन है, पांच हमने फाइंड करेंगे। तो अब ये देखो, इसका बता रहा है कि एट द टर्मिनल आर्क ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वार, कि हमारे पास जो एंगल है वो किस क्वार में है, फोर्थ क्वार में, ये वाला। तो अब ये देखो, हमने लिख भी दिया कि कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार, कि सबसे पहले ये देखें कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वार में। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन उसने खुद बता दिया कि अब दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, 9/41 पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव ही देखेंगे। अगर नेगेटिव होता तो हमें नेगेटिव देखना था यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखेंगे वो किस में होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वार में। लेकिन अब हमारे पास दो सिचुएशन है, फर्स्ट और फोर्थ क्वार, तो उसने अब दोनों में हमें क्लियर कर दिया कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वार। अब वो कहता है किस में है, फोर्थ क्वार में है, ये खुद ही उसने बता दिया है। अब कॉस हमारे पास गिवन है, कॉस से हम क्या फाइंड करेंगे, साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 9/41। तो अब इसका यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, 9 का 81 और ये 41 का क्या होता है, 1681। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 1681। तो इसको यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 1681 माइनस 81 ओवर 1681। तो अब ये इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1600। अब दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो इसके साथ क्या आता है, प्लस और माइनस, 16 का क्या आता है 40 और 1681 का क्या आता है 41। तो ये तो हमारे पास, लेकिन इसके साथ प्लस और माइनस आ रहा है। तो अब हमने ये देखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो उसने हमें बता दिया कि थीटा जो एंगल हमारे पास था इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वार, यानी यहाँ पे लिख लो कि थीटा इज इन फोर्थ क्वार जो हमारे पास गिवन था। तो अब फोर्थ क्वार में हमने देखा है, ये साइन की बात हो रही है, तो साइन फोर्थ क्वार में क्या होता है, सॉरी ये वाला फोर्थ क्वार है, तो फोर्थ क्वार में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम प्लस और माइनस था, तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे, यहाँ प्लस लिख सकते हैं या माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। माइनस क्यों लिखा है, कि हमारे पास थीटा फोर्थ क्वार में है, तो फोर्थ क्वार में साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उलट सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब कॉस साइन, साइन का उलट क्या होता है, कोसीकेंट, तो इसको उलट कर दिया 41/40, तो अब हमने साइन की वैल्यू भी फाइंड कर ली और कोसीकेंट की। अब हमारे पास रहता है टेन और कॉस, तो टेन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -40/41 और ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 9/41। ये 41 से 41 कैंसिल, तो क्या आता है, -40/9। अब टेन थीटा क्या आता है, -40/9, और इसके साथ माइनस आना ही था क्योंकि हमारे पास है थीटा कहाँ पे है, फोर्थ क्वार में, तो फोर्थ क्वार में टेन क्या होता है, नेगेटिव। अब टेन का वर्ड क्या होगा, कॉट -9/40। तो अब हमारे पास एक और रहता था कॉस, हमें गिवन था कॉस का ऑर्डर क्या होता है, सीकेंट, कॉस क्या था 9/41 और सीकेंट क्या होगा, 41/9। तो ये था हमारे पास है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसे नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।